भक्त श्री खाकी बाबा सरकार जो बहुत ही उच्च कोटि के सिद्ध संत थे, बड़ी बड़ी सिद्धियां उनको प्राप्त थी। एक बार एक बुढ़िया माई का बच्चा बीमार था, वह डॉक्टरों के पास उसे दिखाने के लिए ले गई। डॉक्टर ने कहा कि ये तो मर चुका है, अब इसके शरीर में नाड़ी नहीं, हृदय में धड़कन नहीं, ले जाओ मिट्टी है, या तो जाकर इसका संस्कार करो। बुढ़िया माई उस बच्चे को लेकर बाबा जी के पास आई। बाबा जी तो लंबे चौड़े थे, वे अचानक उस बच्चे के सीने पर चढ़ गए। 4-5 वर्ष का बालक था। अब वहाँ जितने लोग थे वह सभी बड़े विस्मित हुए। सबने सोचा कि यह बाबा ने क्या किया, छोटा सा बच्चा अगर कहीं सांस होगी भी तो वह भी निकल गई होगी। बाबा बच्चे के सीने पर चढ़कर तुरंत ही उतर आए। आश्चर्य की बाबा के उतरते ही बच्चा उठकर बैठ गया और बोला, मुझे भूख लगी है, खिचड़ी खानी है। दूसरा चमत्कार, पानी पर चलना। एक बार जर्मन के शोधकर्ताओं का एक दल भारतवर्ष में योगियों की तलाश में घूम रहा था, परंतु जहाँ जहाँ भी वे लोग गए कुछ न कुछ पाखंड का ही अनुभव पाए। जब वे खाकी बाबा सरकार के पास आए तो बाबा बोले, देखो तुम लोग भारतवर्ष की निंदा तो लिखना नहीं, भारतवर्ष में एक से एक बड़े योगी महापुरुष हैं, इसलिए किसी की निंदा मत करना। यदि तुम लोगों को योग सिद्धि का प्रभाव देखना ही है तो लो देखो। बाबा जैसे बैठे हुए थे वैसे ही उठकर खड़ाव पहने हुए गंगा जी के पानी के ऊपर उस प्रकार से चले जैसे कोई भूमि पर चल रहा है। सब लोग देखते दंग रह गए और उन शोधकर्ताओं ने उस समय उनके पास कैमरा था, उस कैमरे में उन्होंने बाबा के फोटो खींचे। गंगा जी के पानी पर चलते हुए फोटो अखबार में छपे थे। बाबा ने गंगा जी से कहा, मार्क दे दो माँ, जो योगी होते हैं उनको अग्नि, जल, पवन, आग पर चलने का अधिकार होता है। तो जैसे ही बाबा ने गंगा जी से कहा, गंगा जी के बीच में बिल्कुल सूखा हो गया। इस पार से उस पार तक बाबा जी उसी पर आराम से जैसे समतल भूमि पर चलते हैं वैसे ही बाबा जी ने गंगा जी पार कर ली। जय श्री कृष्ण।